साहस सरोकार। सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग ने मूकबरी की सूचना पर कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित ठेके पर की छापेमारी। अज्ञात कारणों से दो जनरल स्टोरों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। तेरवा टीकुर और टिकटा ग्राम पंचायतों में जन सुनवाई, खंड विकास अधिकारी ने समस्याओं के निस्तारण के दिए आदेश। शीतलहर के बढ़ रहे प्रकोप से बड़ी हार्ट अटैक की समस्या, हृदय संस्थान ने 24 घंटे में मरने वालों का आंकड़ा जारी किया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने कुम्हार समुदाय को निशुल्क पट्टा देने के दिए आदेश, एसडीएम चिन्हित 10 कुम्हारों को लिस्ट डीएम को सौंपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑनलाइन माध्यम से करीब 100 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा का विकास करने में लगे हुए हैं। परियोजना में फरीदाबाद से नोएडा, गाजियाबाद, जेवर की कनेक्टिविटी मुख्य रूप से शामिल है, जिसमें एक घंटे में गाजियाबाद से फरीदाबाद का सफर तय किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2014 से पहले सिर्फ अपना विकास किया, भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चल रही है। कार्यक्रम में डीसी विक्रम सिंह समेत उच्च अधिकारी उपस्थित थे। आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश की लगभग 167 से ज़्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया है। लगभग 1800 करोड़ से ज़्यादा की ये परियोजनाएं। उसी निमित्त आज फरीदाबाद में भी 143 करोड़ की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा हुआ है। स्थानीय स्तर पर हमारे सभी विधायकगण ने आज उस उद्घाटन में और शिलान्यास में भाग लिया है। मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खबर फरीदाबाद से है, जहां सीएम फ्लाइंग टीम आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मुखबरी की सूचना पर कार्रवाई की है और शराब ठेके की छत पर अवैध रूप से चल रहे अहाते पर छापा मारकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकारी मान्यता की आड़ में अहाता संचालक अवैध शराब की बिक्री कर रहा था। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय थाने में ठेका संचालक राजकुमार और आबिद जुल्फिकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जांच के आदेश जारी किए हैं। कल सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को गुप्त सूचना मिली कि मुजस्सर थाना के एरिया में जीवन नगर पार्ट टू में एक ठेका है दारू का, उस शराब के ठेके के ऊपर एक अवैध अहाता चल रहा है। इस आधार पर जब संबंधित आबकारी विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस को साथ लेके शाम को जब कल रेड की गई तो वहाँ पे हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त का बोर्ड भी लगा हुआ था हालांकि, और वो जिसने ठेके पे वो लिया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट पे, उसने बताया कि मुझे यही बताया गया था कि ये इस पे मान्यता है और अवैध ठेका वो आहता वहाँ चलता हुआ मिला। इस आधार पर आबकारी विभाग द्वारा स्थानीय थाना जो मुजस्सर लगता है उसमें FIR अंकित करवाई गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खबर औरैया से, जहां खंड विकास अधिकारी शिव गोविंद सिंह ने शासन के निर्देश पर प्रत्येक माह के शुक्रवार को दो ग्राम पंचायतों में जन चौपाल लगाई। एरवा टिकुर और टिकटा ग्राम पंचायत में जन सुनवाई की और ग्रामीणों की समस्याओं को निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। ज्यादातर समस्याएं राशन कार्ड, नाली सफाई से जुड़ी रही। जन चौपाल के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी राजीव सिंगर, आशा बहुई, ग्राम प्रधान समेत स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि महीने के प्रत्येक शुक्रवार को दो ग्राम पंचायतों में
चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ग्राम की समस्या और गांव में ही समाधान इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोनों गांव में आज विकासखंड एरवा कटरा के एरवा टिकटा और एरवा टीकुर दोनों ग्रामों में चौपाल लगाई गई है और चौपाल में उपस्थित व्यक्तियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया और जिन शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया है उनका माह के अंत तक करा दिया जाए। कानपुर में सर्दी ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठंड से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय संस्थान ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा अनुसार सबसे अधिक मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं। ठंड की वजह से यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कार्डियोलॉजिस्ट संस्थान ने जो भी आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक कानपुर में हार्ट अटैक से ज्यादा लोगों की मौतें सामने आई हैं। हृदय रोग संस्थानों के डायरेक्टर विनय कृष्णा ने बताया कि शीतलहर से बुजुर्गों की बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। कानपुर में शीतलहर का बहुत तेज़ी से प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण हृदय रोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। उनमें से 41 मरीज गंभीर दशा में थे जिनको कि भर्ती करना पड़ा, उनका भर्ती करके उपचार किया गया। 39 मरीजों का ऑपरेशन भी करना पड़ा, एंजियोग्राफी वगैरह भी करनी पड़ी। और 7 पेशेंट ऐसे थे जिनकी की इलाज के दौरान मृत्यु हुई और 15 पेशेंट एक दिन में ब्रॉड डेड लाए गए, यानी कि जब वो पहुँचे हैं तो उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। ये बहुत ही दुखद परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। लोगों को ठंड में बिल्कुल अपना बचाव करना चाहिए, सर ढका रहना चाहिए, कान नाक ढका रहना चाहिए। जब सूरज निकला हो तभी सामान्यतया घर से बाहर निकले। कानपुर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कार्डियोलॉजी का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, जिसमें कि आज की डेट में जो है 7 लोगों की जो मौके मौत हुई अंदर हुई है उसके इलाज के दौरान। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो 15 से जो मरीज ऐसे हैं जो दरवाजे पहुँचते ही जो है वो दम तोड़ देते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा ठंड का कहर कानपुर में पूरी तरीके से जारी है और देखा जाए कहीं ना कहीं जो सुविधा मूलभूत सुविधा जो है वो आदमी को मिल नहीं रही। मेरे साथ जो है कार्डियोलॉजी में कुछ मरीज अटेंडेंट है वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, कार्डियोलॉजी में आप आए हुए हैं, आपका पेशेंट एडमिट है। जो अब देख रहे हैं लगातार जो 7 मरीजों की मौत हुई है, 15 मरीज लगभग पहुँचते पहुँचते मौत हो गई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये अभी का बहुत गंभीर विषय है। जैसे आप देख रहे हो कि सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है और इतनी ठंड पड़ रही है और हमारा जिला प्रशासन कहीं चेत ही नहीं रहा है, जिससे हम लोग को हमारे जो मरीज एडमिट होते हैं जो उनके साथ में आते हैं उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ठंड के कारण। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं देखा जाए तो अटेंडेंट जो पड़े हुए बैठे हुए आपके बाहर अस्पताल के, उनको लेकर के क्या मतलब सरकार अस्पताल प्रशासन तरफ से या जिला प्रशासन तरफ से या नगर निगम की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? जी बहुत ही देखिए होता क्या है ना, जब ईमानदार किसी को लेके साथ में जाता है, मतलब अपने पेशेंट को एडमिट कराता है, उसके बाद उसको ये होता है कि वो कैसे रहेगा वहाँ पे, हॉस्पिटल में कैसे बिताएगा। और ठंड जो है बहुत ही समय खतरनाक है, तो जो प्रशासन है और डॉक्टर जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है हम लोग के लिए कुछ। हम लोग ठंड में यहाँ पे बाहर बैठे रहते हैं, ना अलाव जलाने की व्यवस्था है, ना कोई शेड बनाया गया कि हम लोग के लिए शेड में वहाँ पे रह सकें, तो बहुत हम लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ देखा जाए तो और भी जो मरीज है तीमारदार लोगों को बताएंगे। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी बताइए किस तरीके से जो कार्डियोलॉजी में जो इतनी दुखद घटना हो रही कानपुर लेकर, कानपुर में ठंड का प्रकोप जारी है और पेशेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कार्डियोलॉजी में जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था, डॉक्टर का समय पे ना आना और ना ही अलाव की कोई व्यवस्था है, और जो भी दवाएं वगैरह हैं वो काफ़ी बाहर से महंगी लिखी जाती हैं और ताकि जिस वजह से मरीजों को आम आदमी को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। देखा जाए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है ठंड का प्रकोप जारी है। अभी देखते हैं कार्डियोलॉजी में डॉक्टर से सलाह लेते हैं कि मरीज किस तरीके से जो देखा जाए किस तरीके से उनको उपचार दिया जाए, प्राथमिक उपचार दिया जाए। हमारे साथ जो अभी डॉक्टर अमरजीत सिंह छावड़ा जो हैं वो जुड़ेंगे। आप बता रहे हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह छावड़ा जो हैं वो हमारे साथ हैं, वो बताएं किस तरीके से जो मरीज हैं उनको किस तरीके से उपचार देना चाहिए और किस तरीके से उनको जो अगर कोई हार्ट का पेशेंट है उसको अपने घर से लेकर के अस्पताल कैसे ले जाना है, ये डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर साहब, जो देखा जाए कहीं ना कहीं कानपुर में जो ठंड का कहर है उसको लेकर हार्ट के पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से, आज कार्डियोलॉजी में 7 मरीजों की मौत हुई है, 15 मरीज लगभग ऐसे तय हुए हैं जो मेडिकल बुलेटिन कार्डियोलॉजी का है उससे 15 पेशेंट जो थे वो मौके पर गेट पहुँचते खत्म हो गए थे। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जो मरीज तीमारदार हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मरीज को अपना बीपी और शुगर
हमेशा चेक कराते रहना चाहिए। सर्दियों में बीपी और शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, और जो वो मेडिसिन खा रहे हैं उसको प्रॉपर उसको वैल्यूएशन कराइए कि उसका बीपी शुगर उससे मेंटेन रहे। दूसरी बात, वो अपना ठंड से एकदम एक्सपोजर से बचें, सुबह उठ के एकदम बाहर ना जाएं, गुनगुना पानी पीते रहें, बहुत तली चीज़ें भुनी चीज़ें का सेवन ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, रात को जैसे अंगीठी और हीटर लगा लेते हैं और हम लोग कमरा और बंद कर लेते हैं, वो बंद ना करें जिससे ऑक्सीजन लेवल दिक्कत हो जाती है, और जो अंगीठी तापते हैं उनसे कार्बन निकलता है वो और उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। खबर हरदोई से है, जहां जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर एसडीएम सदर स्वाति शुक्ला ने खंजनपुरवा के मोहल्ले 10 परिवार को कुम्हारी कला के माध्यम से आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से निशुल्क पट्टे का वितरण एक सप्ताह के अंदर किए जाने की जानकारी दी। इस दौरान एसडीएम सदर ने कंबल वितरित कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि कुम्हार परिवार के 10 लोगों को निशुल्क पट्टे का वितरण का लाभ मिलेगा, जिसमें हरिराम, विष्णु कुमार, जगदीश, रतनलाल, लालता प्रसाद, राजकुमार गरीबे, मुकेश कुमार, राकेश कुमार और महेंद्र शामिल हैं। मुझे पता चला कि कुछ एक कुमारों की बस्ती और है जहां पे आवंटन नहीं है, तो मैंने उनके लिए तावलाब अनुवंटन कर दिया ताकि उनको मिट्टी फ्री मिल सके और उनकी कुमारी कला भी आगे बढ़ सके। इसके अलावा ठंड को देखते हुए मैंने उनको कंबल भी वितरित किए पर्सनली बुलाकर। खबर आगरा से है, जहां ब्रिक्स कंपनी से धोखाधड़ी करके करीब 1,37,00,000 रुपए लेकर फरार हुए मामले में डीसीपी विकास कुमार के नेतृत्व में बनी टीम ने मुख्य आरोपी विवेक कुमार को गिरफ्तार किया और आरोपी से 10,00,000 रुपए बरामद किए। पुलिस अधिकारी ने घटना से संबंधित 8 लोगों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से लूट की रकम से 90,00,000 रुपए बरामद किए जा चुके हैं। ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 1,36,93,294 रुपए लेकर ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी विवेक फरार हुआ था और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, और उसी शातिर अपराधी विवेक को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और विवेक के पास से कुल 10,61,030 रुपए बरामद किए गए हैं और साथ में एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड और एक मोबाइल की रसीद भी बरामद हुई है। खबर हरदोई से है, जहां लोनार कोतवाली क्षेत्र के 52 कस्बे में स्थित 2 दुकानों में आग लग गई। अज्ञात कारणों से लगी आग में जनरल स्टोर की दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जनरल स्टोरों में आग लगने से स्थानीय लोगों की, व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी पर पहुंचे 52 चौकी प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ितों से बातचीत की। एसएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने मामले में संज्ञान लेकर विधिक कार्यवाही करने की जानकारी दी। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गौसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर।